तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मैजिकल वेब सीरीज के बारे में, और ये वेब सीरीज एक से बढ़कर एक होने वाली है। अगर आप लोगों को भी वेब सीरीज देखना पसंद है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्या पता आपकी फेवरेट वेब सीरीज भी आपसे मिस हो जाए। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। नंबर वन द वॉच, ये सीरीज साल 2021 में रिलीज हो चुकी एक ड्रामा क्राइम फैंटेसी सीरीज है, और ये सीरीज वन टाइम वॉच सीरीज है, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग 10/6 की है, और इसमें कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की जो अपने शहर को बहुत ही बड़े खतरे से बचाना चाहते हैं। तो वो क्या खतरा है ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। आप लोग इस सीरीज को हिंदी में यूट्यूब पर भी देख सकते हो। नंबर टू द लास्ट बस, ये सीरीज साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक एक्शन साइफाई बेहतरीन मैजिकल सीरीज है, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग 10/6 की है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है कुछ साइंस स्टूडेंट की जो बेकाबू हुए ड्रोन से अपने शहर को कैसे बचाते हैं। ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। आप लोग इस सीरीज को हिंदी में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, तो आप लोगों को ये सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। नंबर थ्री फेरिया द डार्केस्ट लाइट, ये सीरीज साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग 10/6 की है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है दो बहनों की, और इनके जीवन में मैजिकल घटना होती रहती है, और इनका कनेक्शन इनके पेरेंट्स से होता है। तो आगे इन दोनों बहनों के साथ क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। आप लोग इस सीरीज को यूट्यूब पर हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। नंबर फोर क्राको मॉन्स्टर्स, ये सीरीज साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है, और आप लोगों को ये सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग 10/6 की है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है एलेक्स नाम के लड़के की, जिसकी ज़िंदगी में मैजिकल घटना होती रहती है, तभी इसके साथ आगे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी हिल जाओगे। तो आगे इसके साथ क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। आप लोग इस सीरीज को यूट्यूब पर हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। अगर आप लोगों को भी मिस्ट्री ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो आप लोग इस सीरीज को एक बार जरूर देख सकते हो। नंबर फाइव राइजिंग डियोन, ये सीरीज साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक मैजिकल सुपर हीरो सीरीज है, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग 10/7 की है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है एक माँ और बेटे की, क्योंकि उसके बेटे में कुछ सुपर पावर होती है, लेकिन जो उस लड़की की माँ होती है वो नहीं चाहती कि इसके बारे में किसी भी इंसान को पता चले। तो आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये बहुत ही कमाल की एक सुपर हीरो सीरीज है, और आप लोग इस सीरीज को यूट्यूब पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। नंबर सिक्स हेलो, ये सीरीज साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक फैंटेसी साइंस फिक्शन सीरीज है, और ये सीरीज वन वॉचिंग सीरीज है, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग 10/7 की है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है एलियन और लोगों की, जो आपस में युद्ध कर रहे होते हैं, और आगे इस सीरीज में लोग एलियन के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर तो आप भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। तो आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये सीरीज आप लोग YouTube पर हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। नंबर सेवन राइजिंग बाय वुल्फ्स टू, यह सीरीज साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक मैजिकल ड्रामा साइंस फिक्शन सीरीज है। अगर बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इस सीरीज में कहानी देखने को मिलती है दो ऐसे लोगों को जिन्हें एक मिशन दिया जाता है कि वो दोनों किसी और ग्रह पर जाकर ह्यूमन सोसाइटी को बनाए। तो आगे इस सीरीज में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 10/7 की है। आप लोगों को ये सीरीज यूट्यूब पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को भी एक ऐसी साइंस फिक्शन मैजिकल सीरीज देखना पसंद है तो आप लोगों को यह सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए।